नमस्कार जी, मैं डॉक्टर दीपक सरीन हूँ। मैं मेदांता हॉस्पिटल में एक हेड एंड नेक सर्जन हूँ। 27 जुलाई वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे होता है, जिस दिन की मान्यता रखते हुए हम लोग हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा हेड नेक कैंसर माउथ कैंसर या ओरल कैंसर है, मुँह का कैंसर। ये बहुत बड़ा रोग है, कई इंडियंस इस बीमारी से पीड़ित हैं और हमारे लिए इस कंट्री में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एज आई सेड, इस दिन की मान्यता रखते हुए हम लोग एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं रिगार्डिंग मिथ्स ऑन कैंसर या कैंसर के बारे में गलत फहमियाँ, जो हम क्लियर करना चाहते हैं। आज बात करेंगे हम रिगार्डिंग बायोप्सी, और जो गलत फहमी जो हम दूर करेंगे इसके बायोप्सी से क्या कैंसर फैलता है। जब पेशेंट मुंह का कैंसर लेके आता है और डॉक्टर उसे देखता है तो उसको मुंह में घाव नज़र आता है। इसको कन्फर्म करने के लिए यदि ये घाव कैंसर का है या किसी और अन्य बीमारी का है, एक बायोप्सी की ज़रूरत होती है। बायोप्सी में एक टेस्ट है जिसमें इस घाव का एक छोटा सा पीस लिया जाता है, आधे मटर के बराबर, और ये हमारे लेबोरेटरी में जाता है जहाँ पैथोलॉजिस्ट इसको एग्जामिन करता है और माइक्रोस्कोप से नीचे देख करके बताता है क्या ये बीमारी कैंसर के लक्षण दिखा रहा है या नहीं। ये कन्फर्म होने के बाद ही कि ये कैंसर है, पेशेंट का इलाज आगे लिया जा सकता है, जिसमें पहले स्टेजिंग होती है और फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। कई पेशेंट जिनके मुंह में घाव होता है डॉक्टर के पास जाते हैं और बायोप्सी का नाम सुन के लौट आते हैं और बीमारी की जांच पड़ताल आगे नहीं ले जाते हैं। इस गलतफहमी में कि बायोप्सी से हमने सुना है कैंसर फैल जाता है या लोहा लगने से हमने सुना है कैंसर फैल जाता है, ये एक गलतफहमी है। इसकी वजह तो हम नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसा एक गलतफहमी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, लेकिन इसके बारे में कुछ थॉट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, बायोप्सी जब लेते हैं तो एक छोटा सा कट लगता है, जैसे आप खाना खाते टाइम आपकी अगर जीभ कट जाए या मसूड़े पे आपके चोट लग जाए, कोई चिप्स पापड़ मुंह में कहीं चुभ जाए, चोट लगने से साफ बात है कि एक घाव भी बनेगा, थोड़ी स्वेलिंग भी होएगी, थोड़ी सूजन आएगी और थोड़ा दर्द भी रह सकता है। लेकिन कोई भी आम चोट जैसे है वो 5-7-10 दिन में बैठ करके ख़त्म हो जाती है। बायोप्सी करते टाइम डेफिनेटली वहाँ चोट लगती है, उसकी सूजन, उसका दर्द मरीज महसूस कर सकता है। इसका ये अर्थ नहीं कि उसका कैंसर फैल गया है, ये सिर्फ एक चोट है जो आप 7-10 दिन का टाइम दें तो इसका दर्द सूजन बैठ जाएगा। लेकिन मरीज के मन में अक्सर, क्योंकि ये बायोप्सी के बाद फर्स्ट टाइम मरीज महसूस करता है, उनको लगता है शायद बायोप्सी के कारण मेरा कैंसर फैल गया है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बायोप्सी होने से पहले मरीज़ को पता नहीं कि उसको बीमारी क्या है। कई बारी छाला 2-3-4-5 महीने से मुंह में होता है, लेकिन चिंता कम होती है क्योंकि आदमी को मालूम नहीं वो क्या है। बायोप्सी रिपोर्ट जिस दिन लिखित में आती है तो समझिए ज़मीन खिसक जाती है पैर के नीचे से। उस दिन मरीज़ को बहुत कुछ महसूस होने लगेगा जो शायद उस दिन के पहले उनको फील भी नहीं होता था या उसको इग्नोर करते थे। एक वजह यह भी होती है कि बायोप्सी रिपोर्ट पढ़ने के बाद पेशेंट को कई बारी लगता है मुझे अब दर्द भी है, मुझे अब सूजन भी है, मुझे ये भी है, और इस चीज़ को वो बायोप्सी होने से कोरिलेट करते हैं। फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है डॉक्टर के लिए कि आपका बीमारी कैंसर है या नहीं है उसको साफ तरीके से साबित करें। ना तो कैंसर छूट जाना चाहिए और गलत फहमी में गलत इलाज होना चाहिए, और ना जिसको कैंसर नहीं है उसको कैंसर का इलाज होना चाहिए। बट ये बात फर्स्ट विजिट पे ही क्लियर करनी है। फर्स्ट विजिट पे ही अगर बायोप्सी डॉक्टर रेकमेंड करता है तो हमारे हिसाब से कराइए, अच्छे लेबोरेटरी में टेस्ट कराइए, कन्फर्म करिए क्या है, और एक बारी निश्चित रूप से मालूम है बीमारी क्या है तो करेक्ट इलाज के रास्ते पे उतरिए। थैंक यू।